तो जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, एक कहावत रामानुजन पे फिट बैठता है, क्योंकि मात्र 32 साल की उम्र में ही अपने उन्होंने जीवन को खो दिया और 4000 से ज़्यादा उन्होंने थ्योरम्स बनाए और उसमें से अभी 20% भी थ्योरम्स लोगों को समझ में नहीं आया है। जैसे 1 से आप इन्फिनिटी तक ऐड करते हो तो आपके वैल्यू मिलते हैं -1/12, जिसको आज तक किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया है। तो आज है हमारे जो मैथ्स के लॉर्ड हैं, मैथ्स के गॉड हैं, रामानुजन का जन्मदिन, और वो हमारे लिए है भगवान। तो आज उनको हम लोग विश करते हैं और उनको याद करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। तो हम लोग आज दीप जलाएंगे, मैम जलाइए, आप भी जलाइए सर, क्योंकि इनके जो हिस्ट्री है, इनका जो योगदान है हमारे पूरे विश्व के लिए, वो कम नहीं है। अरे आपने बागेश्वर धाम को देखा होगा, बागेश्वर बाबा को जानते हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा बाबा जिन्होंने सदियों में लिख दिया, जिसने इन्फिनिटी के बारे में बताया, जिसने बताया कि इन्फिनिटी नाम का ही एक चीज होता है। क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए थे और हमारे जैसे टीचर जो पढ़ाते हैं सब बोल रहे थे कि 5/5 क्या होगा, 3 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है। वैसे ही एक रामानुजन, जो एक क्यूरियस बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा, एक बच्चा जिसके पास विजन था, उसने 0/0 के बारे में पूछा और जो सर थे कुछ बोल नहीं पाए, और इसलिए जो इन्फिनिटी वर्ड आया, इन्फिनिटी जिसको आप जानते हो कि दुनिया में इन्फिनिटी का मतलब होता अनंत, जिसका अंत नहीं हो, लेकिन उन्होंने अंत को भी बताया। तो इसलिए रामानुजन के जो भी योगदान है उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए आज हम लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं रामानुजन का, और एक दो कहानी भी बताने वाला हूँ। तो आप जैसे ये स्टूडेंट अगर बोलता है कि आई एम अफ्रेड ऑफ मैथ्स, और मैथ्स रामानुजन से क्या बोलता है, आई एम अफ्रेड ऑफ रामानुजन। तो ऐसे ऐसे ताकतवर इंसान थे, इसलिए मात्र 32 साल की उम्र में सोचो कि कितने थ्योरम्स लिख दिए। अगर जिनको 12th का एक इंटीग्रेशन आ जाता है वो अपने नाम के आगे लगाते हैं मैथ्स के जादूगर, सोचो ये कितने बड़े जादूगर थे, जिनको आज तक लाखों करोड़ों लोग समझ नहीं पाए हैं। कहानी कुछ और भी चलते हैं, जैसे रामानुजन को हम लोग जब भी है तो हम लोग, रामानुजन एक नंबर होता है, जैसे रामानुजन को ऐसे बोला जाता था कि जैसे बागेश्वर बाबा जो आपका हाथ देखते हैं, आपका मस्तक पढ़ते हैं और बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है, वैसे हमारे रामानुजन जो थे वो नंबर्स के बारे में जानते थे कि नंबर्स होता क्या है, नंबर्स के बारे में जानते थे। ऐसे उनके एक प्रोफेसर थे हार्डी, तो जब हॉस्पिटल में जब एडमिट थे रामानुजन, तो उन्होंने रामानुजन के पास गए और बोले कि तुम तो मैथ्स में नंबर के जादूगर हो, तुम तो नंबर के बारे में जानते हो, तो मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उस नंबर के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला कि वो नंबर कैसा है, तो बोले कि नंबर बहुत ही खराब है, नंबर बहुत अच्छा नहीं है। आराम समझ में, तो उन्होंने जो नंबर लिया था यहाँ पे, उन्होंने जो नंबर लिया था वो था 1729। तो उन्होंने बोला कि 1729 जो है वो इंटरेस्टिंग नंबर है, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि एक ऐसा नंबर जिसको आप रामानुजन नंबर जानते हो, एक ऐसा नंबर जिसके जैसे 2 नंबर के क्यूब के इक्वल है, जैसे 1 क्यूब अगर करोगे और 12 क्यूब करोगे तो 1729 आता है, और अगर 9 क्यूब + 10 क्यूब भी करते हो तो 1729 आता है। तो 1729 इज रामानुजन नंबर। हार्डी उनके प्रोफेसर थे, उनके गुरुजी थे। तो ऐसे शख्स को है मेरा सलाम, और बॉलीवुड वालों अगर आप ऐसा देख रहे हो इनके बारे में तो आपको 4-5 मूवी बनानी चाहिए। ऐसे एक छोटे मोटे मूवी बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रामानुजन के जो योगदान है उसको कोई भूल नहीं सकता है। रामानुजन में जितने थ्योरम्स बनाए हुए हैं, थ्योरम्स 90% लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम विश करते हैं और एक बार फिर से रामानुजन को याद करते हुए, और उनके जो भी उन्होंने रिसर्चेज किए, जो इतनी छोटी सी उम्र में 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था, डेथ हो गया था उनका 32 साल की उम्र में। तो रामानुजन का जो सपना था कि नंबर के साथ खेलना है, और इंडियन थे। अभी जैसे हम लोग रामानुजन का आज बर्थडे है उसमें हम लोग मैथ्स डे मनाते हैं उनके नाम पे, वैसे तमिलनाडु सरकार आईटी डे मनाती है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इंडिया वाले हो तो एक बार जरूर आप रामानुजन के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बाहर के लोग भी देख रहे हैं वीडियो को उसमें कमेंट करना नहीं भूलना है। जय हिंद।